अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जी यहाँ पे मेरी मॉर्निंग का आवाज़ हो क्या है, और मैंने शॉवर ले लिया है। और जी अब सबसे पहले मैं अपने बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे अपना अपनी बेडशीट ठीक करूँगी, उसके बाद अपना बेडरूम सही करूँगी और फिर मैं बाकी काम करूँगी। आज वैसे मेरा ब्लॉग बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है आज मैं थोड़ा सा ही व्लॉग बना लूँ, लेकिन बनाऊँ ज़रूर। तो बस जी अब मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट ठीक कर रही हूँ। बेडशीट ठीक कर ली है मैंने, और जी नीचे से मैट्रेस उठा रही हूँ। यहाँ पे रात को यहाँ पे मैट्रेस डाला था, हम लोग की हेल्पर थी वो यहाँ पे लेटी थी मैट्रेस पे नीचे, तो फिर अब मैं ये उठा के साइड पे रख रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ। टेम्परेचर की वजह से मैंने आज भी रोज़ा नहीं रखा, बहुत तेज़ टेम्परेचर था और चिकन पॉक्स थे मुझे, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और आज बस थोड़ा बहुत सा जो व्लॉग है वो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। तो बस और अब यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय चढ़ा लेती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी यहाँ पे। और जी ये दूसरे किचन से मुझे चीज़ें ला के यहाँ पर रखनी पड़ती हैं, फिर यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके बाद सबसे पहले चाय बना रही हूँ, फिर ऑमलेट बनाऊँगी। हानिया ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेती है और मूसा भी ब्रेड लेता है, मतलब जब जो चीज़ हानिया ने खानी होती है वही मूसा भी खाते हैं, कॉपी करते हैं दोनों एक दूसरे की। तो अब बस दोनों के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड गरम कर रही हूँ और साथ में ऑमलेट बना रही हूँ।
नाश्ता मैंने बना दिया है और बस जी मैं यहाँ पे करती हूँ आज अपना व्लॉग एंड। और बस आज मैंने इतना थोड़ा सा ही व्लॉग बनाया है, आज भी मेरी तबीयत काफ़ी लो है, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए बनाया है कि ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि आपका व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा। मैंने कहा रेडी, आप लोगों को इतना ज़्यादा वेट करवा दी है तो वो वेट नहीं होना चाहिए। और बस जी अब अपना यहाँ पर व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। सुबह जब मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन किया तो मैं हैरान रह गई, आप सब लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेज आए हुए थे कि आप अपनी सेहत के बारे में बताएं, आप कैसी हैं, प्लीज़ प्लीज़। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं सबको जवाब दूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ छोटी सी जिसमें मैं आप सब लोगों को बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी बेहतर हूँ और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से। और वैसे आप सब लोगों के प्यार का, आप सब लोगों के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। बिलीव में मुझे यकीन नहीं आता था कि आप सब लोग मेरी हेल्थ के बारे में इतना कंसर्न हो। तो बस यही कहूँगी कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलीव में आप सब लोगों ने मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पर पहुँचा दिया, इतना ज़्यादा आप सब लोग मेरे से प्यार करते हो। और बस इसी तरह मुझसे प्यार करते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। और आप लोगों को जितना मैंने वेट करवाया उस सबके लिए बहुत बहुत माजरत। बिलीव में मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप सब लोगों के साथ मेरा कनेक्शन एक फैमिली की तरह, तो मुझे खुद भी इतना अजीब लग रहा था। मैंने कहा कि मेरी वीडियो नहीं जा रही, आप लोगों से मेरी बात नहीं हो पा रही, मुझे खुद इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने वापस सेहत दी और अल्लाह पाक ने उठाया और मुझे टेम्परेचर हो गया था जिसकी वजह से देखें मेरे पूरे फेस पे चिकन पॉक्स निकल आए। तो इस वजह से फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था वीडियो बनाना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से। तो बस यही कहना चाहूँगी, इंशाल्लाह कल बनाऊँगी एक नया व्लॉग और कोशिश करूँगी कि आज भी थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँ। तो बस अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।